सो अभी तक आपने बहुत सारे रिव्यूज देखे होंगे जिम्नी के, ऑफ रोड रिव्यूज की बात कर रहा हूँ, और जिनको मैं प्राइमरीली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। एक आपने वो देखे होंगे देहरादून में मारुति ने सारे जितने भी अनाड़ी हैं दुनिया भर के उनको बुला रखा था। किन की बात कर रहा हूँ? ऑटो कार, पावर ड्रिफ्ट, ओवर ड्राइव, मोटर बीम और काफ़ी सारे यूट्यूबर जिनको ऑफ रोडिंग का ओ नहीं पता है। अगर आप उनसे BLD, MLD और बीच में आप डाल देंगे BSDK, उनको फ़र्क नहीं पता होगा तीनों में क्या है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जिन्होंने जिम्नी शोरूम में ख़रीदी और वहीं पर ही इन्होंने अपने बड़े बड़े चौड़े टायर लगवा दिए और फिर बाद में बोल रहे हैं कि यार गाड़ी दब रही है, पावर नहीं है। मैं आपको स्टॉक जिम्नी का ऑफ रोड रिव्यू करके दिखाऊंगा और आपको इसके बारे में ये भी बताऊंगा कि भाई इसके हार्डवेयर में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूं, यहाँ पर इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो थार में नहीं है, गुरखा में नहीं है, डिफेंडर में नहीं है, फॉर्चूनर में नहीं है, हाइलक्स में नहीं है, वी क्रॉस में नहीं है, रैंगलर के अंदर है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक डिस्क्लेमर और दे दूँ कि देखिए आपके लिए ये वीडियो नहीं है अगर आप किसी एक गाड़ी के फ़ैन बॉय हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जिम्नी के फ़ैन हैं ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप जिप्सी के, आप थार के, आप गुरखा के फ़ैन हैं और बाकी सारी ऑफ रोड व्हीकल्स जो हैं आपको लगता है कि वो बेकार हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो एक ट्रू 4x4 एंथुजियास्ट के लिए है जिसको हर एक 4x4 गाड़ी से प्यार है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 4x4 एंथुजियास्ट उसी को मानता हूं जो कहता है कि भाई मेरे पास जिम्नी भी हो, मेरे पास थार भी हो, मेरे पास जिप्सी भी हो, मेरे पास गुरखा भी हो, जो असल 4x4 हैं यानी कि जिनके अंदर ट्रांसफ़र केस है, मेरे पास वो सारी गाड़ियाँ हो, एक एक यूनिट मेरे पास सबका हो, तो ये रिव्यू उनके लिए है। अच्छा, एक आखिरी बात रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, भाई आप कहेंगे मैं आपकी बात क्यों मानूं, आपके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं क्योंकि वो ज़रूरी है। 89 में चलाना अपने डैड की 1968 विलीज CJ3B लेफ्ट हैंड ड्राइव से मैंने चलाना सीखा था। तो ऑफ रोड एज अ नेसेसिटी, ऑफ रोडिंग करते हुए बड़े हुए, और फिर जब इस काबिल हो गए कि भैया अपने पैसों से एक 4x4 ले लूं, तो मैंने 1966 विलीज लेफ्ट हैंड ड्राइव पेट्रोल ये ख़रीदी 2008 में। तो कंटिन्यूसली आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बचपन में बस सीखी और छोड़ दी, 89-90 से ऑफ रोडिंग करते हुए आ रहे हैं। तो आपको जितनी भी जितनी भी नॉलेज है वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो शेयर करूँगा। और एक चीज़, एयर प्रेशर डाउन नहीं कर रहा हूँ। रीज़न, जब भी आप अपनी फैमिली के साथ ऑफ रोडिंग करने जाते हैं, अब आप ये तो करेंगे नहीं, उतरेंगे, एयर डाउन करेंगे, ऑब्स्टेकल से निकलेंगे और फिर आप उसके अंदर हवा भरेंगे। ऑफ रोडिंग का मतलब है आप अपनी फैमिली के साथ एक ऐसी जगह पे जा पाएँ बिना गाड़ी तोड़े हुए, बिना किसी परेशानी के, जहाँ पर एक 4x2 गाड़ी नहीं जा सकती। तो चलिए अब रिव्यू स्टार्ट करते हैं।
इससे हमने कर ली ऑफ रोडिंग, और जैसा कि आपने देखा हमने चार ऑब्स्टिकल करे, चार में से दो इसने मक्खन के तरीके से कर लिए, दो में इसको मुश्किल आई, और वो एक्चुअली गाड़ी की कमी नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बता दूँ जो मैंने शुरू में बोला था कि इसमें जो है वो रैंगलर को छोड़ के किसी में नहीं है। आप लोगों ने अभी गेस कर लिया होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, सॉलिड फ्रंट एक्सल। सॉलिड फ्रंट एक्सल जो है पुरानी जीप्स में, विलीज में और पुरानी महिंद्राज में आते थे, और आजकल के टाइम पे सिर्फ इसमें आ रहा है और रैंगलर में आ रहा है। फायदा क्या होता है देखिए कि अब मान लिया आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो जब एक टायर एक ऑब्स्टिकल की वजह से उठता है तो सॉलिड एक्सल दूसरे वाले टायर को दबा देता है, यानी कि आपको ज्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है। और जब हम बोलते हैं ना कि सब लोग बोलते हैं आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा है, आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है? आर्टिकुलेशन का मतलब है कि चारों टायर चारों व्हील्स जो है वो आपके जमीन पे रहें, चाहे कितना भी उबड़ खाबड़ रास्ता हो। आप देखते हैं ना ज्यादातर वीडियोज में जैसे टांगे उठा देती हैं गाड़ियां, सारी गाड़ियां उठा देती हैं, पर कौन कितनी देर में उठाती है, कितनी देर तक चारों व्हील्स जो है वो आपके ग्राउंड पे रहते हैं, यानी कि आपको ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है सॉलिड एक्सल्स का। इसने जो है कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करा, और ईमानदारी वाली बात यह है जो दो ऑब्स्टिकल्स पे ये निकली है मक्खन की तरीके से, 100 में से 98 ओनर्स उतना डिफिकल्ट ऑब्स्टिकल भी नहीं करेंगे अपनी फैमिली के साथ। तो स्टॉक गाड़ी जो है वो अपने आप में बहुत 4x उसकी जो ऑफ रोड एबिलिटी, ऑफ रोड कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। उन दो ऑब्स्टिकल्स पे ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आप अपनी फैमिली को बिठा के कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। पर अब आपको करनी है ऑफ रोड हार्डकोर वाली ऑफ रोडिंग, बिल्कुल हार्डकोर, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चौड़े टायर नहीं लगवाने हैं, सेम प्रोफाइल के ऑल टेरेन टायर्स लगा लिए, एंड दिस विल डू वंडर्स। इसका BLD थार के BLD से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत प्यारी तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। और ऑफकोर्स ये बाहर से आपको पता लगता है, मतलब इट इज जैसे थार का क्या है, थार का BLD थोड़ा टाइम लेता है किक इन करने के लिए, दिस वॉज ऑलमोस्ट इंस्टेंट। और दूसरी बात, पावर की कमी नहीं लगेगी आपको, समझ रहे हैं। बाय द वे इसका क्रॉल रेशो थार से और गुरखा से ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बिल्कुल नॉर्मल इंक्लाइन दे दिए या रॉक क्रॉलिंग में, दिस वुड बी बेटर देन द थार एंड इवन द गुरखा। बहुत कम स्पीड पे, 4-5 की स्पीड पे क्रॉल करेगी थार और गुरखा, वुड बी समवेयर अराउंड 8-10 और मे बी 12 किलोमीटर्स पर आर। तो ऑल इन ऑल स्टॉक गाड़ी बहुत केपेबल है ऑफ द रोड। आप स्टॉक गाड़ी रखिए, टायर चेंज मत कराइए। अगर आपको जो दो ऑब्स्टिकल्स जो हैं उतनी ऑफ रोडिंग आपके लिए बहुत है, मेरे हिसाब से एक नॉर्मल ओनर के लिए बहुत है, तो आपको टायर चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है, चौड़े टायर नहीं दलवाने हैं, सिर्फ सेम प्रोफाइल में आप ऑल टेरेन टायर्स दलवा लिए, एंड लाइक आई सेड एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन दिस विल डू वंडर्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ना करा हो तो, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।